अयोध्या के कुचेरा बाजार स्थित हजारीलाल इंटर कॉलेज में जुगुन खाद भंडार के नेतृत्व में कृषि प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया और किसान भाइयों को कृषि संबंधित प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें मैट्रिक्स फर्टिलाइजर व केमिकल्स लिमिटेड के क्षेत्रीय प्रबंधक शिव विशाल श्रीवास्तव और क्षेत्रीय प्रबंधक रामेंद्र नाथ उपाध्याय, जयसवाल उर्वरक भंडार के प्रोपराइटर मुकेश जयसवाल और जयसवाल उर्वरक भंडार के पदाधिकारी व कर्मचारी अजय सिंह, अतुल यादव और खाद्य व्यापारी भोला शालीग्राम फर्म के स्टाफ और श्री जुगुन खाद भंडार के प्रोपराइटर अर्पित पटवा भी मौजूद रहे। वहीं क्षेत्रीय प्रबंधक रामेंद्र नाथ उपाध्याय ने बताया कि मौसम के अनुसार खेती करें, अगर आपकी फसल ज़्यादा लेट हो रही है तो वो आपके उत्पादन पर भी प्रभाव डालेगी, तो अच्छा यही है कि उसी जगह पर कोई दूसरी फसल की खेती करें, उससे आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। और उर्वरक का प्रयोग अगर फसल लेट है तो इस तरह से ना प्रयोग करें कि असंतुलित हो जाए, फसल जल्दी तैयार करने के चक्कर में उर्वरक का प्रयोग संतुलित मात्रा में करें। फसल के समय बीज का चुनाव सही करें और मौसम के अनुसार और समय के अनुसार आप लेट हो गए हैं तो लेट वैरायटी उसका इस्तेमाल करें और वो फसलें लगाएं, बीज लगाएं जो आपके मौसम के मुताबिक हो। श्री जुगुन खाद भंडार के प्रोपराइटर अर्पित पटवा ने बताया कि आज का जो कार्यक्रम था उसका मेन उद्देश्य था कि किसानों को अच्छी फसल किस तरह से तैयार करनी है, जिसमें अच्छी खाद फर्टिलाइज़र जो पड़ती है उनकी मात्रा अच्छी तरह से बताया गया, प्रशिक्षण दिया गया ताकि किसान अच्छी फसल और उत्पाद बढ़े और किसानों को आने वाली फसलों के बारे में जानकारी दी गई। कि मौसम अनुकूल खेती करें, यदि आपकी फसल ज़्यादा लेट हो रही है तो वो आपके उत्पादन पे भी प्रभाव डालेगी, तो अच्छा यह है कि उसके जगह पे कोई दूसरी फसल का उत्पादन आप करें, उससे आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। दूसरा ये कि उर्वरक का प्रयोग अगर फसल लेट हो गई है तो ऐसा न करें कि असंतुलित हो जाए, ज़्यादा जल्दी तैयार करने के चक्कर में संतुलित मात्रा का प्रयोग करें और फसल में के चुनाव के समय बीज का चुनाव सही करें कि मौसम के अनुसार और समय के अनुसार यदि आप लेट हो गए हैं तो लेट वैरायटी यूज़ करें और वो फसलें लगाएं या वो बीज लगाएं जो आपके मौसम के अनुकूल हो। नाम रामेंद्र उपाध्याय है, मैं यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर के पद पे कार्यरत हूँ मैट्रिक्स फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिटेड में। ये जो है मैट्रिक्स फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिटेड कंपनी है, पश्चिम बंगाल में वर्धमान ज़िले में पानागढ़ में फैक्ट्री है। आत्मनिर्भर भारत की योजना में हमारे देश में हम यूरिया उत्पादन में आत्मनिर्भर बने, इसके लिए एक यूरिया का नया प्लांट जो है सितंबर 2021 में चालू हुआ है और ये दुनिया का सबसे बढ़िया सिंगल स्ट्रीम प्लांट है जो कि रोज़ 2200 टन अमोनिया और 3850 टन यूरिया प्रतिदिन का उत्पादन की क्षमता है। और आज की तारीख में आप ये देखें कि ज़्यादातर जो यूरिया की कमी थी वो जितने भी ईस्ट के राज्य हैं, आपका बंगाल हो गया, बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया और इवन आपका ईस्टर्न यूपी में अधिकतर जो है यूरिया की कमी रहती थी, तो ये प्लांट ऐसी जगह स्थित है जहाँ पे ज़्यादातर जो राज्य थे जिनकी यूरिया की कमी होती थी वहाँ ये प्लांट लगने से किसानों में काफ़ी खुशी है और बहुत अच्छी क्वालिटी का यूरिया हम लोग दे रहे हैं। ये किसानों का इसी कंपनी की तरफ से डॉक्टर फसल यूरिया के नाम से यूरिया आता है, तो डॉक्टर फसल यूरिया कंपनी के नाम से किसान जानते हैं और इसी का हमारा जो एक किसानों का प्रशिक्षण कार्यक्रम है, एक तो किस तरीके से संतुलित खाद का उपयोग किया जाए, दूसरा आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव है उसके बारे में भी लोगों को जागरूकता प्रदान करना है, दूसरा किसानों का इस देश की अर्थव्यवस्था में क्या अहम योगदान है उसके बारे में चर्चा करना एवं जो अंतर्राष्ट्रीय अभी स्थिति है खाद की वो उसके बारे में किसानों का अवगत कराना ही हमारा उद्देश्य है। तो थोड़ा सा बारिश लेट हो गई है, करीब 15 दिन जो है लेट हो गया है, पर चूंकि खेती में हमेशा अनुकूल मौसम हो तभी चीज़ें हो पाती हैं। कई लोगों ने पहले मान लो धान लगा लिया या ट्रांसप्लांटिंग कर लिया तो गर्म मौसम होने की वजह से वो मर गया या तो नर्सरी मर गई या फिर खेत में लगाया वो सूख गया, चूँकि पानी का तापमान भी ज़्यादा होता है, तो चाहे 15 दिन लेट हुआ है पर इससे कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं होने वाला। हाँ, थोड़ा क्षेत्र जो है कम हो सकता है, रकबा कम हो सकता है, पर आप ये देखेंगे कि अंत में जो है उत्पादन में कोई बहुत ज़्यादा परिवर्तन या बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आने वाला। मेरा नाम प्रसन्न कुमार शर्मा है, मैं पूरे स्टेट यूपी राज्य का जो है इस कंपनी का
जो है मैनेजर हूँ। और करीब हम लोगों ने यहाँ पे लगभग अभी यूपी के करीब 44-45 ज़िलों में, जिसमें ईस्टर्न यूपी और सेंट्रल यूपी में हम लोग काम कर रहे हैं। इसके अलावा किसानों के लिए हम लोग बहुत सारे नए उत्पाद लेके आ रहे हैं, जिसमें माइक्रो न्यूट्रेंट है, आपका सल्फर है। और मेन ड्यूटी भी है कि किसानों को अच्छी फसल कैसे तैयार करनी है उसके बारे में, अच्छी न्यूट्रेंट जो भी खाद वगैरह फर्टिलाइजर पड़ते हैं उनके उनकी मात्रा को अच्छी तरीके से बताने का उद्देश्य है, इससे कि उनकी फसल काफ़ी अच्छी और उत्पाद बढ़े। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।